कुरुक्षेत्र से भी कई खिलाड़ी हैं, जिसको लेकर प्रदेश के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सभी खिलाड़ी ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और दुनिया भर में प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। संदीप सिंह का कहना है कि ओलंपिक में चयनित खिलाड़ियों को ओलंपिक की तैयारियों के लिए 5-5 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए गए हैं। बीते सप्ताह भी सभी ओलंपिक चयनित खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई थी और उनकी तैयारियों का जायजा भी लिया गया। उन्होंने खेलो इंडिया को लेकर कहा कि खेलो इंडिया नवम्बर में होने थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से अब वो फरवरी में होंगे। ज़्यादा जानकारी साथ हमारे साथ यहाँ के हरियाणा खेल एवं राज्य मंत्री संदीप सिंह जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक को लेकर कितने हरियाणा से जो खिलाड़ी हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और क्या क्या उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। जी सर, 31 खिलाड़ी लगभग जो हैं हरियाणा के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पहला स्टेट ये बन चुका है कि जो खेलने से पहले जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कैबिनेट में, ये इसका निर्णय लिया गया था कि हम 5 लाख रुपए आपको खेलने के लिए, तैयारी के लिए हम खेलने से पहले देंगे, तो वो ऑलरेडी जा चुकी हैं। तो एक बहुत बड़ा स्टेप है क्योंकि बूस्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है खिलाड़ियों को जब उनके पास खेलने से पहले तैयारी के लिए सुविधाएं हों। और आपको जितना मर्जी आप सरकार आप खेलने के लिए, आपके रहने के लिए, आपके खाने पीने के लिए सुविधा करें, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी निजी चीज़ें बच जाती हैं जिसको आप अपनी पॉकेट से खरीदना पड़ता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो उसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपए एडवांस में तैयारी के लिए दे दिए हैं और मेरी खिलाड़ियों से भी चर्चा हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैंने उनको बधाई भी दी और गुड लक भी विश किया कि आप आगामी जो ओलंपिक्स है टोक्यो ओलंपिक्स उसमें अच्छा प्रदर्शन करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेकर आएँ। उस दौरान मैंने ये भी चर्चा की कि आपको कैसा लगा कि ये जो स्टेप लिया है हरियाणा गवर्नमेंट ने आपके लिए, तो बहुत से खिलाड़ियों ने धन्यवाद भी किया और उसमें कई खिलाड़ी ऐसे भी थे कि ये पहली बार हुआ है और कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि ऐसे किसी गवर्नमेंट दौरान ऐसा कुछ पहले ही हेल्प हो जाए खेलने से पहले, और ये खिलाड़ी को बहुत अच्छा बूस्ट भी करेगी और मोटिवेट भी। तो जिस तरह से खिलाड़ी वहाँ पर मेडल जीत के लाएंगे उनके लिए क्या क्या घोषणा करनी थी? देखिए, जो हमारा गोल्ड मेडल है उसका और सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल का जो हमारी राशि है, नगद राशि, वो तो ऑलरेडी तय की हुई है हमने 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़। लेकिन उसके साथ ही हमारा एक प्रोसेस ये रहेगा कि खिलाड़ियों को हम अलग तरीके से उनका वेलकमिंग करें और माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरे एक्साइटमेंट में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा के मेडल आएँ और हम फिर उनका अच्छे से स्वागत भी करें, और जो खिलाड़ी हमारे हरियाणा का और पूरे देश का मान सम्मान बढ़ा के आएंगे तो उनको हम अलग तरीके से। देखिए, कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो नेशनल लेवल पर खेल के आते हैं और बाद में उनको पिछड़ जाते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ियों का ऐसा भी कहना था कि एक खिलाड़ी ही खिलाड़ी के दर्द को समझ सकता है। आप खिलाड़ी भी रहे हैं और हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं और अब पीछे भी सुनीता कश्यप थी, उनकी आपने बड़ी हेल्प की है, उसके लिए क्या कहते हैं? देखिए, कुछ गेमें ऐसी होती हैं जो ना तो पॉलिसी में आती हैं और ना उनको कोई रिकॉग्नाइज होता है नेशनल बॉडी से या इंटरनेशनल बॉडी से, लेकिन मैं फिर भी उनकी मान सम्मान करता हूँ क्योंकि खिलाड़ी जो है वो किसी भी गेम का खिलाड़ी हो वो आसानी से नहीं बनता है, उसको मेहनत लगती है, उसके खुद की मेहनत लगती है, उसके परिवार की मेहनत लगती है। तो मैं उसके पीछे ये कहूँगा कि जितने भी खिलाड़ी हैं रिकॉग्नाइज गेम्स की तरफ ज़्यादा, जैसे अभी सुनीता कश्यप की आपने बात की, तो बहुत अच्छी खिलाड़ी थी, बहुत मेहनत भी करती है और एक ऐसे परिवार से आती है कि जो सुबह से शाम तक मेहनत करके पैसा कमाते हैं और शाम को खाना खाते हैं। ऐसे परिवार से जब आप निकलते हो और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लेकर आते हो, मैंने उनसे गुड़िया से यही बात की सुनीता जी से कि आप वो गेम चुने जिसमें हम आपके लिए पॉलिसी के तहत आपको जॉब भी दे सकें, आपको बढ़ा भी सकें। तो मैं उनको मोटिवेट ये कर रहा हूँ कि आप जो गेम है, जो रेकोगनाइज गेम है, उसके ऊपर करें, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं होता रेकोगनाइज देना। ये आप इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ऐसी गेम्स हैं जो आप कॉम्पिटिशन तो करवाते हैं लेकिन रेकोगनाइज आती नहीं है। तो ऐसी गेम्स को बढ़ावा देने के लिए और उनको एक अलग रास्ता, अच्छा रास्ता चुनने के लिए, क्योंकि जो खिलाड़ी मेहनत करता है वो किसी भी फील्ड में चला जाए, किसी भी गेम में चला जाए, हमने ज़्यादा उनको बढ़ावा भी देना और उनको आगे देना। जी, मेरा एक आखिरी सवाल, जो अभी खेलो इंडिया होना था अब स्थगित कर दिया गया, देखिए खेलो इंडिया 21 नवंबर 2021 को होना
था, मैं अब ये कह सकता हूँ, क्योंकि अभी थर्ड वेव को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है और थर्ड वेव को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन फिर भी जैसे सेकंड वेव का पता नहीं था कि किस तरीके से आएगी और क्या सिम्टम होंगे, तो वैसे ही थर्ड वेव का हमें नहीं पता है कि किस तरीके से होगी, क्या क्या सिम्टम होंगे, लेकिन फिर भी जो रूमर्स हैं, जो बातचीत चल रही है, वो यही है कि किसी भी तरीके के वेव आए हमने सेफ्टी लेकर चलनी है। खेलो इंडिया का जो अक्टूबर नवंबर का पीक टाइम बता रहे हैं थर्ड वेव का, तो उस दौरान अगर हम खेलो इंडिया को अगर हम आगे लेके जाएं तो कब लेके जा सकते हैं? टेंटेटिवली हमने फरवरी डेट अभी नहीं रखी है, लेकिन फरवरी का महीना उसको चुन रहे हैं, तो हो सकता है कि अगली एक दो मीटिंग में हमारा वो जो भी निर्णय पूरा हो जाए, और अभी तो यही कह सकते हैं कि जो हमारा थर्ड वेव को मद्देनजर रखते हुए हम इसको आगे लेकर जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ खेल राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह जी, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक और खेलो इंडिया को लेकर इन्होंने हमारे को जानकारी दी। तो फेवर्स कैमरा मैन रोज के साथ जसविंदर सिंह राज, खबर।